अस्सलाम वालेकुम खवातीन और उनके हज़रात, उम्मीद करते हैं यार आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा, वैसे आपको टाइटल देख के और थंबनेल देख के पता चल गया कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। हम आए हैं आज कुछ मीठा ट्राई करने। हाँ, और हम भी फलूदा ट्राई करने आए हैं। कहाँ पे आए हैं ये अब्दुलरहमान, लोकेशन बताओ। यार ये है इचरा मेन जो फिरोजपुर होटल, वहीं पे है। इसका पूरा नाम जो है ना वह माशाल्लाह नफीस कसूरी फलूदा। ठीक है, समझ आ गई है। तो यहाँ पे सिर्फ तीन चीज़ें हैं, अभी हमारी बेटे से बात हो रही थी। एक कुल्फी फलूदा, डबड़ी वाला दूध है, तीसरा क्या था, रबड़ी वाला शेक। हाँ, रबड़ी वाला शेक। ये तीन चीज़ें हैं और तीनों की प्राइस 220 रुपए है। ठीक है, तो हमने इनमें से तीन चीज़ों में से दो चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं। एक हमने किया है फलूदा और एक हमने किया है रबड़ी वाला दूध, दूध ऑर्डर किया। तो चलें, अभी हमारा ऑर्डर आ रहा है, उसको देर किए बगैर अब ट्राई, वो ऑर्डर आता है तो उसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। अच्छा, तो यार हमारा ऑर्डर आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने दो चीज़ें ऑर्डर की थी और मेरा जो ऑर्डर है वो मैंने फलूदा, आज से पहले मैंने फलूदा जो है ना हमेशा अनारकली से ही खाया हुआ, पुरानी अनारकली यूसुफ का फलूदा मैंने जब भी ट्राई किया वहाँ का ही ट्राई किया। इनका मैं पहली दफ़ा ट्राई करने लगा और देखने में तो नहायत ही ठीक, ये आप चेक कर सकते हैं यार, इनतहा ही मज़ेदार लग रहा है। ठीक है, और खा के अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसा है। बेहतरीन कुल्फी फलूदा है ये। तो इसके साथ हम अब लेंगे कुल्फी की बाइट। ये आ गई कुल्फी। ठीक है, आउटडोर में बैठे हैं हम, इंडोर डाइनिंग आपको पता दोबारा से बंद हो चुकी है, तो हमें आउटडोर में बैठे हैं। थोड़ी सी मक्खियां खंग कर रही हैं, उनको हम बड़ा इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इनका टेस्ट मेरी तरफ से मस्ट रिकमेंडेड है, 10/10, नहायत मज़ेदार, ठंडा मीठा और मज़ेदार। लेकिन हमारा फलूदा आ चुका है, मैंने हारिस वाला, सॉरी मेरा फलूदा शेक है, मैंने हारिस का जो फलूदा है ना जिसने ऑर्डर किया मैंने वो भी खाया है, वो भी बुरा नहीं था, बहुत ही अच्छा था। और जहाँ तक बात की जाए इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि क्वालिटी जो है ना वो इनफ थी इनकी। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स में इनका शीरा होता है, सवैयाँ होती हैं और फलूदा होता है, कुल्फियाँ जो काट काट के डालते हैं, और बस यही होता है मेरे ख्याल से। तो अब ये है रबड़ी वाला दूध। ठीक है, इसको ट्राई करता हूँ कि ये कैसा है। यार आप लोगों को तो पता है कि मुझे मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा होता था। और रबड़ी वाला दूध तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव पड़ रहा है मुझे, क्यों भी होना 220 का। मैंने ज़िंदगी में 100 से ऊपर का कभी रबड़ी वाला दूध नहीं पिया, तो ये एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर आपने रबड़ी वाला दूध पीना है तो यू मस्ट हैव सेकंड ऑप्शन। ठीक है यार, रेटिंग मेरी तरफ से ना इनको मिलेगी 9/10, और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो चूँकि थोड़ा सा महंगा है तो उसका मैं 7.5 मार्क्स दूँगा। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा नन्ना मुन्ना छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। ठीक है, ठीक हो गया, वो समझदार बच्चियां कर देंगे हमेशा कर। अच्छा, और जो ये बात कर रहा था अब्दुलरहमान प्राइस वाली, वो मेरे अकॉर्डिंग ऐसी है, एक तो इनकी क्वान्टिटी काफ़ी थी, ठीक है, और दूसरा इनकी क्वालिटी थोड़ी सी प्रीमियम टाइप वाली में आ जाती है। जो वो दूसरे हैं ना जो आपको 100-150 की रेंज में मिलते हैं डबड़ी वाले दूध, वो इतने थिक नहीं होते, लेकिन इनका भी यार बुरा नहीं है, बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। मैंने भी अब्दुलरहमान का वो ट्राई किया था, अच्छा लगा, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो आज आउटडोर की जो सीटिंग है ना उसके मुताबिक हमें यहाँ तक जगह अच्छी मिली, लेकिन वो जो तुम्हें पता है वो चीज़ें तंग करती हैं बाहर, मेरा हाथ आ गया बिल्कुल ऐसे। फिर आपको किसी अच्छी नहीं ना स्टेडियम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।